अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीदा कि आप सब हैरियत से होंगे। आज मेरा दोस्त मेरा कासिम साथ हम बैठे हुए थे और सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए कुर्बानी के हवाले से। झेलम में मंडी लगी हुई है, बकरा मंडी, तो क्यों ना हम आप लोगों को बकरा मंडी की सैर करवाएं। चले आज हम मंडी का टूर करते हैं एक, और इंशाल्लाह आपको हमारा भी ब्लॉग पसंद आएगा। सबसे पहले मेला लगा हुआ इधर, मेला ये पकड़ा गया दोस्त मेरा वीडियो शूट करने आया है। ये बंदा हमें पकड़ा लिया, ये लिया पकड़ा। तुम्हारे लिए 50,000 कमा दी। इतने का तुम्हारे लिए 45 भाई ले तो ले, ना आपका नाम है
सोच रहा था कि इस सिचुएशन में लोगों ने कैसी शॉपिंग की होगी ये जानवर खरीदने के हवाले से, तुम्हारी क्या राय है? इस सिचुएशन में लोगों ने ज़्यादा शॉपिंग की है, क्योंकि इस दफ़ा लोग हज भी नहीं जा सके। उन्होंने इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि यहीं पर कुर्बानी की जाए और अच्छे से अच्छा जानवर लिया जाए कुर्बानी के लिए। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि मंडी में बहुत अच्छे माशाल्लाह जानवर हैं और लोगों ने शॉपिंग के दिल खोल के की है। मीन्स के मेन रीज़न ये है कि लोग इस दफ़ा हज पे नहीं गए क्योंकि हज टिकट्स नहीं थे मिल रही और हज भी नहीं हो सका। कोरोना वायरस की वजह से हज जो है वो थोड़ा सा हुआ मसला, लेकिन माशाल्लाह लोगों ने इधर भी दिल खोल के कुर्बानी की है और अच्छे से अच्छे जानवर जो है ना उन्होंने लिए हैं। तो अब हम देखते हैं हम क्या खरीदते हैं। अभी तक भाई को जो है ना कोई जानवर पसंद नहीं आया। एक जानवर वैसे ये खड़ा हुआ है लेकिन हमारी कुर्बानी नहीं हो सके। चले जी अब देखते हैं कि जानवर हमें कौन सा पसंद आता है। वैसे तो देखा जाए गवर्नमेंट की तरफ से इतना सफाई का ख्याल तो नहीं रखा गया, लेकिन यहाँ पे लोगों ने भी सफाई का ख्याल नहीं रखा अपने बलबूते पे, और काफ़ी स्मेल भी आ रही है। तो मैं मास्क का इस्तेमाल कर ही लेता हूँ तो अच्छा है। हालांकि अभी भी COVID-19 का सीज़न है, पाकिस्तान में लॉकडाउन है अभी भी, लेकिन किसी ने अभी मास्क नहीं पहना है। कोरोना का कोई डर खौफ नहीं, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन एहतियात लाजमी होनी चाहिए यार। ये बकरे बहुत किस्म के हरामी टाइप के हैं, इन्हें पता है हमारी कुर्बानी होने वाली है, लेकिन ये फिर भी बगैरती करने पे बाज नहीं आते हैं। कहते हैं आखिरी दिन है, ये एंजॉय करना है, कर ले हम। सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा। मैंने पूरी मंडी में ये चीज़ वाहिद देखी है, जिस बंदे के भी ये बकरे हैं ना, उसने अपने बकरों को जानवरों को स्क्योर किया हुआ है। बताया देखें ये सब ऐसे ही है। ये जनाब कासम भाई के लिए जानवर मैंने फन किया है, तो भी इनके साथ जी सकते हैं कासम भाई। ये ठीक है, ये मंडी में मुझे सबसे अच्छा जानवर अभी तक जो है ना। हाँ मुझे भी यही लगा। और ये देखो ये बड़ा सैड सा हुआ हुआ है, परेशान हुआ हुआ है, ये कह रहा है कि इसको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा अभी तक, इसलिए शायद हो गुस्से की निगाह से। बच्चों खा लो तुहाड़े हरी दिन में। और मेरे दोस्तों यकीनन आपने ये वीडियो देख कर इंजॉय किया होगा, और जहलम की बकरा मंडी हमने आपको टोटल दिखा दी है,
और बहुत अच्छे जानवर भी हैं और लोगों ने बहुत खुशी से शॉपिंग भी की है। हमने भी दो बकरे पसंद किए हैं, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उस पर लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।